तो हेमा मालिनी इस वक्त बेहद चर्चा में थी और वो चर्चा में तब से आई जब से कांग्रेस ने कह दिया कि सपना चौधरी को उनके अगेंस्ट यानी मथुरा में वो लड़ाएंगे। लेकिन अब ये सारी अफवाहें शामिल हुई हैं। अब हेमा मालिनी का अखिलेश यादव पर हमला है सीधे तौर पर, और वो कई बातें खासतौर पर कहना चाह रही हैं कि मेरा किसी ने विरोध नहीं किया, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र जो मेरा रहा है मैंने वहां पर विकास किया है, और अगर किसी को डाउट है, किसी को संदेह है, तो वो हमारे मथुरा आए और देखे कि मैंने क्या विकास किया है। यानी विकास का दम वो भर रही है जो बीजेपी की खासियत रही है। विकास का मुद्दा हेमा मालिनी भी उठाती थी। मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी हमारे साथ मौजूद हैं और नामांकन अपना दाखिल करेंगी वो, और हम इनसे बात करते हैं। मैडम, तमाम विरोध के बावजूद आखिरकार आपको टिकट मिल गया और अब ड्रीम गर्ल आपको कहा जाता है, मथुरा के क्या सपने पूरे किए? मथुरा का बहुत सारा सपने किया है, लेकिन बहुत सारा अभी पाइपलाइन में है, वो सारा करना है। बिकॉज ये देखिए 3000 सम उससे भी ज़्यादा किलोमीटर का ये क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र इज़ नॉट अ स्मॉल, इट्स वेरी बिग। और इतने सारे 5 विधानसभा, इट्स अ वेरी बिग थिंग। 800 क्या, आई थिंक नियरली 1000 विलेजेस आर देयर। इन सबको खुश करना, it's little difficult, but I have made many good things which people are very happy with me, and a lot of proposals are there which are all on the pipeline. वो सब अभी होने वाला है, सब बहुत जल्द सब काम इस साल से शुरू होने वाला है। सो दैट इज़ वाई मेरा मेन मकसद भी ये था। ऊपर से जब मोदी जी का सरकार है तो उसके साथ जुड़ के मुझे भी मेरा भी अपनी तरफ से एक स्मॉल योगदान मथुरा द्वारा करना चाहती हूँ। मैम, हम आपको कवर करते आए हैं और आपकी हम लगातार हम 4-5 साल से देखे, अभी हमने आपको दो अहम चीज़ें देखी। पहला, आपके मकान में जब एंटर कर रहे थे नज़र का टोटका आपने लगाया था वहाँ पे, न्यू हाउस नया घर है बनाया अभी, और दूसरा आपने भगवान के दर्शन किए हैं, जाहिर सी बात है। ये वृंदावन में है, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। कृष्ण की नगरी है, कृष्ण की रचा लीला सब लोग सुनते आ रहे हैं, इसके दर्शन करने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। उसमें मेरा भी एक छोटा सा घर है, मेरा नहीं, ये तो कृष्ण का ही है। सो नेचुरली मंदिर तो हो गए, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता के अनुसार हम पूजा पाठ तो करने वाले हैं। तो आपको इस बार अपनी जीत पर दोबारा पूरा भरोसा है? भरोसा है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया है एंड पीपल आर वेरी हैप्पी विथ मी। सो मैंने roads and so many things I have done which I just don't recognize right now. I don't remember much, but बहुत सारे काम किए हैं। मैम, हम एक दो सवाल और पूछेंगे। स्थानीय लोग आपको ये कहते हैं कि अक्सर मौके पर आप मौजूद नहीं रहती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, मैं हमेशा रहती हूँ। ये किसी ने भी बोला है वो गलत बोला है। इस नए घर में बहुत सारे शादियाँ होती हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स उनका होता रहता है यहाँ, बिकॉज इट्स तीर्थ स्थल है, तो सब में मैं भाग नहीं ले सकती हूँ ना। कहा जब जब मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मैं जरूर जाती हूँ। चुनाव के लिए आपने कमर कस ली है, अहम मुद्दे क्या रहेंगे? हम पुलवामा हमले को देखकर, पुलवामा हमले को लोग कह रहे हैं कि ओवैसी जैसे लोग कह रहे हैं कि जब हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री सो रहे थे और वो बड़े की बिरयानी खा के सो गए थे, इस तरीके के बयान सामने आएंगे तो आप कैसे जवाब देंगे? नहीं नहीं, ये सब उनको नीचे दिखाने का ये तरीका है विरोधी दल का। वो तो हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे, उनका काम है वो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जो किया है वो सारे दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, सब लोग साथ में हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वी विल डेफिनेटली डू, वी आर डूइंग बेस्ट एंड हम ज़रूर जीतेंगे हम। अखिलेश यादव कहते हैं विकास कहाँ गया, अभी उनका लेटेस्ट ताज़ा बयान है कि विकास गायब है। गायब, विकास गायब है, उनको पूछिए यहाँ आके मथुरा में भी तो देखें, एक छोटा सा मथुरा क्षेत्र है, फॉर मी इट इज़ वेरी बिग, बट लाइक दैट पूरा एंटायर कंट्री में सब जाके देखिए कहाँ कहाँ कितना कितना हुआ है, ये पहले कभी हुआ था। प्रॉब्लम ये हो रहा है अभी कि 5 साल हमारे लिए बहुत कम पड़ गया है इतना विकास करने के लिए, क्योंकि पहले कुछ हुआ ही नहीं था, इतने रोड्स खराब थे। पिछले बार जब मैं इसमें आई थी प्रचार करने के लिए कैंपेन के टाइम पे, लेकिन अभी देखिए आई एम गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल गोइंग अराउंड। तो इतना विकास हुआ है, ये रेलवे स्टेशन का देखिए इतना अच्छा सा बना है, उसका सौंदर्यकरण बहुत कुछ करना है मुझे, तो लाइक दैट सो मेनी थिंग्स वी आर प्लानिंग एंड वी आर डूइंग इट
एंड देन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सपोर्ट करता है। चौकीदार को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं चौकीदार बेरोजगार है, विपक्ष ये भी कह रहे हैं। विपक्ष को जो कहना कहने दीजिए ना, उसको सब आप लोग क्यों उसको हाईलाइट करते हैं? हाईलाइट करने लायक है क्या ये सब बातें? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप आश्वस्त हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना निस्वार्थ होकर जो काम किया है आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, तो हम उनका पूरा सपोर्ट करें, इसीलिए मैं वापस यहाँ पे चुनाव लड़ रही हूँ। तो ये थी हेमा मालिनी, और अपना जो सपना है, अपनी चीजें हैं, अपनी बातें हैं ये बताती हुई, और इनका यही कहना है कि जनता मथुरा की प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को समझेगी और उन्हें दोबारा जिताएगी। कैमरा पर्सन जुलकर के साथ अमित पांडे, मथुरा, न्यूज 18 इंडिया। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस अपना कल घोषणा पत्र जारी कर सकती है। जैसे कि वो दावे कर रही थी, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है, और देखना यह है कि क्या उन मुद्दों को वो अपने इस घोषणा पत्र में शामिल करेगी। कांग्रेस ने यह भी दावा किया था कि अब वो जनता की राय जानकर इन मुद्दों को इस घोषणा पत्र में शामिल करने वाली है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम में। अमिताभ, क्या लगता है कि आखिर कौन से ऐसे बड़े मुद्दे होंगे जिसे घोषणा पत्र में शामिल करके निशाना साधने की कोशिश होगी कांग्रेस की ओर से? इसका सैंपल आपको अगर 3 विधानसभा चुनाव में मिल गया था, जब उन्होंने अपने तमाम घोषणा पत्रों में तीनों राज्यों में कहा था कि हम जनता का की कर्ज माफी करेंगे, किसानों की कर्ज माफी, और शायद कांग्रेस को लग रहा है कि उसका फायदा उनको किसानों में मिला है। तो इस तरह की के लोक लुभावन वायदे हो सकते हैं जो बीजेपी जिससे अब तक कतरा रही है। राइट टू हेल्थ, जो आयुष्मान भारत की जो स्कीम प्रधानमंत्री ने निकाली है, वो उसको और फ्री स्कीम काउंटर करने की कोशिश हो सकती है। देखना यह है कि किन मुद्दों को अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल भी करेगी। अमिताभ बता रहे कि 3 राज्यों में हम देख चुके हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या कुछ रहा है, और इस बार भी क्या लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जब जारी होगा, कल इंतजार करना होगा कल का, जब ये घोषणा पत्र जारी होगा कौन कौन से मुद्दे हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है जो कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है कि इस समय लोकसभा चुनावों में आम जनता से जुड़े मुद्दे होंगे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे कर्ज माफी का मुद्दा हो, और चाहे आम जनता के रोजगार का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे घोषणा पत्र में शामिल हो सकते हैं। अरुण सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, घोषणा पत्र में क्या खास बातें हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसकी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। जो घोषणा पत्र समिति बनी है, पी चिदम्बरम ने उसमें तमाम सलाह अपनी दी है। बेसिक मिनिमम गारंटी स्कीम का मसला हो, चाहे किसानों की आय का मसला हो, या फिर फॉर्म लोन वेवर का मामला हो, इन सब बातों को लेकर के, एक जो है सामाजिक सुरक्षा की बात हो, इन सब बातों पर डिस्कशन हो चुका, चर्चा हो चुकी और वो फाइनलाइज हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैनिफेस्टो रिलीज करने की डेट अभी तय नहीं हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक होगी उसमें फाइनल डिसीजन होगा। कल की जहां तक बात है तो राहुल गांधी की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। राहुल गांधी को जयपुर जाना है, राहुल गांधी को तमाम दौरों पर जाना है, कई रैलियां उनकी पहले से फिक्स हैं। तो उस बीच अगर समय मिलता है तो कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का दावा है कि अगर टाइम मिला तो किसी भी टाइम मैनिफेस्टो रिलीज हो सकता है। कल की जहां तक बात है, राहुल गांधी का समय अगर मिलता है, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया है अपनी तरफ से, इस शेड्यूल को देख करके ही तय होगा कि मैनिफेस्टो कब रिलीज होगा। लेकिन मैनिफेस्टो तैयार है और मैनिफेस्टो किसी भी वक्त रिलीज हो सकता है, ये कांग्रेस के सूत्र। पल पल की जानकारी आप हम तक पहुंचाते रहिएगा। शुक्रिया।